नमस्कार, अपो न्यूज में स्वागत है। भारत बिना वर्दी के सेना नेपाल पठावा लागल कहित बिना विभागीय मंत्री सत्यनारायण मंडल के अभिव्यक्ति के काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास खंडन कलक। एमाले नेता से मंडल सोम दिन विराटनगर में भारत अखन सेना पठाव नहीं सक के कहित बिना वर्दी के सेना नेपाल पठाव चाहने आ वो बहुते खतरनाक भेल बताने काठमांडू स्थित भारतीय दूतावास मंगल दिन विज्ञप्ति निकाल कर मंत्रिमंडल के अभिव्यक्ति निराधार भेल बतौलक। मंत्री के अभिव्यक्ति उत्तेजक निराधार आ दुराशयपूर्ण ऐसे विज्ञप्ति में कहल गेल अछि। ई चिंताजनक अछि आ ऐसे नेपाल आ भारत के सौहार्दपूर्ण संबंध में प्रभाव पारत। मंत्रिमंडल के अभिव्यक्ति के निंदा करत भारतीय दूतावास जिम्मेवार व्यक्ति सबके नेपाल आ भारत के सदियों पुरान संबंध में नकारात्मक असर पड़ जका अभिव्यक्ति नहीं देवा आग्रह कने अछि। भारत संगे नेपाल में शांति स्थिरता आ समृद्धि के पक्ष में रहल दूतावास बतौने अछि। वीरगंज में शांतिपूर्ण अवरोध तथा धरना में प्रहरी बल प्रयोग के घटना के विरोध करैत मधेश में आंदोलनरत संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा जनकपुर में विरोध के कार्यक्रम सबके सशक्त बनौने अछि। संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा जनकपुर में मंगल दिन भिनसरे से प्रदर्शन तथा आंशिक रूप में संचालन में रहल बाजार दोकान पूर्ण रूप में बंद करौने अछि। सोम दिन धर सड़क में हल्का फुल्का रूप में चलल सवारी साधन संचालन में रहल मोर्चा के नेता कार्यकर्ता सब बंद करौने अछि। भिनसर 8 बजे जनकपुर के जनक चौक में लाठी सहितक मोर्चा के नेता कार्यकर्ता सब पैदल घूमत बाजार दोकान सब बंद करौने अछि। मोर्चा आम हड़ताल के क्रम में बाजार दोकान खुलल पाल गेल त तोड़फोड़ तथा आगजनी करब चेतावनी सेहो देने अछि। हमरा सबके आंदोलन के निरंतरता है, वीरगंज कल गए सरकार द्वारा राज्य पक्ष द्वारा ओकर विरुद्ध में सशक्त बंद के कार्यक्रम है। आय के बाद यदि कोनो दुकान खुलते वही दुकान के तोड़ फोड़ होते मधेशी मोर्चा पर जिम्मेवारी नहीं लेते। ते द्वारा सब व्यापारी सब से आग्रह है कोनो दुकान शटर नहीं खोलब, कोनो उद्योग धंधा नहीं खोलब से आग्रह करे। यदि खोल चाहते तो परिणाम उनका भोग पड़ते। ते द्वारे आग्रह है आय के बाद हमरा सबके कोनो दुकान नहीं खोल के है, टेम्पू टैक्सी सो नहीं चल के है। यदि एक विरुद्ध में कोई गले ओकर परिणाम उनका भोग पड़ते। मोर्चा विरोध प्रदर्शन अंतर्गत मंगल दिन जनकपुर में वृहत लाठी जुलूस निकाललक। मोर्चा धनसाक संयोजक परमेश्वर शाह शांतिपूर्ण प्रदर्शन में प्रहरी बल प्रयोग कर आंदोलन के कमजोर कर चाहने कहित प्रतिकार में आंदोलन के आरो सशक्त बनाए बतौने। राष्ट्रीय मध्य समाजवादी पार्टी संबद्ध विद्यार्थी संगठन समाजवादी विद्यार्थी संघ जनकपुर में कुर्सी सहित विरोध प्रदर्शन कने। समाजवादी विद्यार्थी संघक अगुवाई में जनकपुरक रामानंद चौक से निकल जुलूस नगर के विभिन्न भाग के परिक्रमा करे जनक चौक में जाकर संपन्न भेल छल। विद्यार्थी नेता सब सत्ता में रहल पार्टी सब के कुर्सी मोह प्रति व्यंग करे कुर्सी सहित जुलूस निकालने अछि। समाजवादी विद्यार्थी संघ मधेश में आंदोलनरत संपूर्ण पार्टी सबके एकटा बैनर में आंदोलन के अगुवाई कर सुझाव दैत आयल। आंदोलनरत दल सबके एक कर समाजवादी विद्यार्थी संघ दबाव स्वरूप से हो कुर्सी सहित के जुलूस निकालने विद्यार्थी संघक केंद्रीय अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र शाह जनतब देने। वीरगंज में शांतिपूर्ण अवरोध तथा धरना में प्रहरी बल प्रयोग के घटना के विरोध करते जनकपुर में मधेश क्रांति संघर्ष समिति प्रदर्शन कलक। मधेश क्रांति संघर्ष समिति मंगल दिन भिनसरे से जनकपुर के बाजार बंद करा कर भानु चौक में टायर वायर का विरोध प्रदर्शन कने। मधेश क्रांति संघर्ष समिति के संयोजक नवीन यादव के अगुवाई में जनकपुर के बाजार बंद कराओल गया तथा टायर वायर का नाराबाजी सहित विरोध प्रदर्शन कैल गया। अहिना का जनकपुर के कबरगाह चौक में स्थानीय वासी सब वीरगंज में भेल घटना के विरोध स्वरूप टायर वायर का विरोध प्रदर्शन कने। सद्भावना पार्टी के नेता साजिद हुसैन जानकारी देने। आंदोलन के विभिन्न कार्यक्रम सब करते आयल मधेश अधिकार संघर्ष समिति विद्यार्थी यूनिट मधेश आंदोलन के क्रम में गंदा भेल विभिन्न चौक सब सफाई का आंदोलन के थप ऊर्जा प्रदान कर मंगल दिन से सर सफाई अभियान शुरू कने। मधेश आंदोलन के क्रम में गंदा सब भेल विभिन्न चौक सब के सफाई का आंदोलन के थप ऊर्जा प्रदान कर आ आंदोलनकारी तथा आम जनता के सफा वातावरण प्रदान कराव मंगल दिन सब मधेश अधिकार संघर्ष समिति विद्यार्थी यूनिट के संयोजक अमित ठाकुर के नेतृत्व में जनकपुर के जनक चौक तथा जनक मंदिर परिसर के सरसफाई कैल गया। वह क्रम में बुद्धिन शिव चौक सरसफाई कर के कार्यक्रम रहा विद्यार्थी यूनिट के संयोजक ठाकुर जनतब दिलेने। वो सरसफाई में यूनिट के सदस्य सब दीपक चौधरी राजन झा जेटली सिंह अविनाश शाह सहित के सहभागिता रहा।
महोतरी जिला के गौशाला चौक में मंगल दिन भिनसर संयुक्त लोकतांत्रिक मधेशी मोर्चा के कार्यकर्ता सब 85 लीटर पेट्रोल नियंत्रण में लेने आई। अनिश्चितकालीन मधेश बंद चल रहा समय में मंगल दिन भिनसर महोतरी के शमसी नाका हो तो भारत से तस्करी कह आनल गए पेट्रोल मोर्चा के कार्यकर्ता सब गौशाला नगरपालिका 6 स्थित चौक में नियंत्रण में लेने छल। मोर्चा नियंत्रण में लेने पेट्रोल जमीन में छीट कर आग लगा कर नष्ट कने त पेट्रोल आने वाला व्यक्ति के चेतावनी दी ओकरा गाड़ी सहित मुक्त कने। मोर्चा के कार्यकर्ता सब वह नाका से दू दिन आगू से पेट्रोल लक आबि रहा एक भारतीय आज 4 दिन आगू एक नेपाली नंबर के मोटरसाइकिल आ करीब 400 लीटर पेट्रोल सोनमा बाजार में आगजनी कर नष्ट कने। पूर्व सांसद मंच प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संग राष्ट्रीय एकता सार्वभौमिकता आ भौगोलिक अखंडता के सवाल में ककरो संग कोनो समझौता नहीं करा आग्रह कलक। पूर्व सांसद मंच मंगल दिन भिनसर प्रधानमंत्री निवास बालवाटार पहुँच कर प्रधानमंत्री ओली के बधाई देव के क्रम में राष्ट्रीय एकता आ सार्वभौमिकता में ठेस पहुँच जगह ककरो से समझौता नहीं करा आग्रह कलक। मंचक अध्यक्ष तारानाथ राणा भाट देश में जातीय आ साम्प्रदायिक द्वंद्व होब नहीं देव दिस सचेत होब तथा भारत के अघोषित नाकाबंदी सामू नहीं झुक प्रधानमंत्री ओली संग आग्रह कलन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जनसंख्या के मात्र आधार बनाकर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कर नहीं जा सकते बतौलन। प्रधानमंत्री ओली मंगल दिन बालवाटार स्थित निवास में अपना के बधाई दबायल नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान के टोली समूह जनसंख्या के मात्र आधार बनाकर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कला से जनसंख्या कम भेल क्षेत्र के विकास पाछू पड़त बतौलन। मधेशवादी दल सब जनसंख्या के आधार में निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कर के मांग सहित आंदोलन करते आयल में प्रधानमंत्री ओली अपने असंतुलित विकास होब जका निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण कर के पक्ष में नहीं रहल बतौलन। ओ पड़ोसी देश भारत आ विश्व के अन्य देश में सेहो जनसंख्या के मात्र आधार बनाकर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण केने उदाहरण नहीं रहल बतौलन। धेरै मान्छे भएका ठाउँका लागि संविधान बन्ने पातलो जनसङ्ख्या भएकालाई नबन्ने तपाईँले जनसङ्ख्याको मात्रै कुरा गर्दा कर्णाली जस्तो ठाउँबाट एउटा प्रतिनिधि नपर्ने अवस्था हो। देश भूगोलको पनि विकास चाहियो, त्यहाँका जनताको पनि विकास चाहियो, त्यसलाई पनि आवास योग्य बनाउने पऱ्यो, त्यसलाई पनि विकसित गर्नु पऱ्यो, त्यहाँको पनि प्रतिनिधि चाहियो। त्यस्ता ठाउँहरूको प्रतिनिधि राखेर बाँकी ठाउँ जनसङ्ख्याकै आधारमा गर्ने भनिएको छ संसारभरिको प्रचलन। प्रधानमंत्री ओली अपने भूकंप से क्षतिग्रस्त संरचना सबके पुनर्निर्माण के तीव्रता दक देश के आर्थिक विकास कर के लक्ष्य सहित सरकार के नेतृत्व केने मुदा भारत के अघोषित नाकाबंदी से अखन ओहि दिश ध्यान देव नहीं पौने बतौलन। सभामुख ओमसरी घरती संविधान के कार्यान्वयन के लिए सूचना के हक के प्रभावकारी कार्यान्वयन हुआ पड़त बतौलिए। राष्ट्रीय सूचना आयोग के आयोजना में मंगल दिन काठमांडू में शुरू भेल 3 दिना कार्यशाला के उद्घाटन करते सभामुख घरती संविधान के कार्यान्वयन के लिए 100 से बेसी कानून निर्माण करय पड़त कहित ओ कानून के निर्माण के लिए सूचना के हक के प्रभावकारी कार्यान्वयन जरूरी रहत बतौलन। ओ कानून निर्माण में जत्ते जल्दी भ सके बेसी सरकार वाला सबके सहभागिता जुटावा आ प्रभावकारी कानून बनाबा सूचना के हक के सेहो भूमिका होयत कहित सूचना के हक संबंधी कानून के कार्यान्वयन के लिए अपने सेहो पहल करब बतौली। सबै सूचनाहरूलाई डिजिटल प्रक्रियामा राख्ने र ती सूचनाहरूलाई नागरिकको सहज पहुँच र प्रयोगमा रहने गरी वेबसाइट मार्फत प्रवाह गर्ने गरिएमा नागरिकको तहबाट राज्य सञ्चालन र विकास निर्माणको प्रक्रियामा सफल निगरानी हुन सक्दछ। नेपालमा परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने प्रक्रियामा व्यवस्थापिका संसदबाट अब धेरै नयाँ कानुन बन्ने र पुराना कानुन संशोधन हुनेछन्। व्यवस्थापिका संसदबाट नयाँ कानुन र नीतिहरू बन्ने प्रक्रियामा व्यापक सहभागितामूलक प्रक्रियालाई प्रवर्धन गर्नमा सूचनाको हकलाई कानुन गराउनमा र ओपन डाटाको अवधारणा स्थापित गराउने प्रक्रियामा मेरो पहल रहनेछ। राष्ट्रीय सूचना आयोग सरकारी निकाय सबके तथ्यांक में सबके पहुंच बढ़ावा के रणनीति तय कर लेल कार्यशाला के आयोजना कलक। आयोग के प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटा सरकारी निकाय के तथ्यांक में सबके सरल पहुंच भेला से सेवा प्रवाह में जल्दीपना आबिक गुणस्तर अभिवृद्धि हैत तथा समग्र में आर्थिक गतिविधि बेसी देश के विकास होबे वाला भेला से कार्यशाला
गहन छलफल क के आवश्यक रणनीति तय करत बतौलन। कार्यशाला में विभिन्न सरकारी कार्य लेके प्रतिनिधि संसार कर्मी आ विकास कार्यकर्ता के सहभागिता। सोम दिन भिनसर वीरगंज स्थित मितेरी पुल में धरनाकारी ऊपर भेल प्रहरी हस्तक्षेप गृहमंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत के सीधा निर्देशन में भेल बताओल गेल। इस घटना के बाद मधेसी नेता सब वार्ता भंग कर के चेतावनी माओवादी अध्यक्ष प्रचंड के देने। प्रहरी सब धरनाकारी के हटौला के बाद तनावग्रस्त भेल वीरगंज में प्रहरी के गोली लाग एक भारतीय के मृत्यु भेल। गृहमंत्री बस्नेत माओवादी नेता छथि। वो पार्टी नेतृत्व संघ सेहो परामर्श बिना केने ही मितेरी पुल के धरनाकारी के हटाब के आदेश देने। थारू कल्याणकारिणी सभा आंदोलन परिचालन समिति के संयोजक राजकुमार लेखी जारी आंदोलन में भारत के समर्थन रहा बतौलक। इटहरी में मंगल दिन भिनसर कैल गेल पत्रकार सम्मेलन में लेखी आंदोलन के भारत के समर्थन रहा से अपना सब के कोनो सहयोग नहीं लेने आ कोनो भारतीय नागरिक के अपने से परिचालन नहीं केने स्पष्ट कलक। लेखी आपके आंदोलन राजमार्ग आ पश्चिमी नाका के टारगेट क के जात बतौलन। शांतिपूर्ण आंदोलन के तीन महीना बीत लगला के बादो नेपाल सरकार थारू सब के मांग संबोधन कर नहीं सकल कहते लेखी आपके आंदोलन सीमा क्षेत्र आ राजमार्ग केंद्रित हाथ बतौलन। तराई के टुकड़ा कह अलग राज्य थारू सब कहियो नहीं चाहने आ राष्ट्र विखंडन के पक्ष में सेहो नहीं रहा उल्लेख करे नेता लेखी आंदोलन के दबाव सरकार वार्ता के नाटक मात्रे रचने आरोप लगौलन। नेपाल के लिए भारतीय राजदूत रंजीत रे नेपाल के मधेश में भरहल आंदोलन में भारत के जबरदस्ती इन्वॉल्व कराब नेपाली पक्ष लाग रहा आरोप लगौलन। मंगल दिन भिनसर एकीकृत नेकपा माओवादी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल संघक भेंट में सरकार अपने मधेश आंदोलन में भारत के समर्थन है से पुष्टि क के भारत के इन्वॉल्व कराब लाग पड़ल कहते ऐसा दू देश बीच के संबंध के हित नहीं करत दिस सचेत करौने। वो नेपाल में भारत विरोधी गतिविधि जबरदस्ती बढ़ाव चाहने कहते उपराग से देने। राजदूत रे मधेश आंदोलन के जल्दी से जल्दी समाधान कर आग्रह करते वार्ता में लचक भक समस्या के समाधान खोज आग्रह केने। वो भारत के दिश से कोनो नाकाबंदी नहीं भेल कहते नेपाल अपने आंतरिक विषय वस्तु मिलाकर भारत से समान आव कोनो समस्या नहीं हाथ दावी केने। अपन अखन के लिए पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टीवी। नमस्कार।